नमस्कार दोस्तों, आयुष स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग जो है बेल्ट्रोन का लिए जो बिहार डाटा एंट्री ऑपरेटर का वैकेंसी निकला है उसके लिए हम लोग जो है सेट चला रहे हैं। आज तक जो है हम लोग सेट नंबर 5 तक का डिस्कशन कर लिया है। आज जो है हम लोग सेट नंबर 6 का डिस्कशन करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। यदि आप इस वीडियो को PDF चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक जो है हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, आप वहां से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में कौन सा टूल है जो वाक्यांशों की गलतियों की जाँच करता है। बोला है कौन सा ऐसा टूल है जो वाक्यों की गलतियों की जांच करता है। तो ग्रामर चेक करके एक ऑप्शन आता है, वो जो है गलतियों को चेक उससे आप जो है चेक कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है, पूछ रहा है। तो ये जो है एक से अधिक प्रोसेसर के द्वारा काम करना ही मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में बनाई गई फाइल को क्या कहा जाता है। तो पावर पॉइंट में जो है फाइल जो बनाते हैं उसको हम लोग प्रेजेंटेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ। तो भारत में जो है जनता के लिए इंटरनेट 15 अगस्त 1995। ऑप्शन नंबर 4, 15 अगस्त 1995 को जो है भारत में जनता के लिए इंटरनेट उपलब्ध करा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में सभी फॉर्मूले किस चिन्ह से शुरू होते हैं। तो एक्सेल में जो है सभी फॉर्मूले ऑप्शन नंबर 3 इक्वल प्रेस करके ही स्टार्ट किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में कैच मेमोरी का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो कैच मेमोरी का प्रयोग किया जाता है डेटा प्रोसेसिंग की गति को तेज करने के लिए, कैच मेमोरी का प्रयोग करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड को अधिकतम कितने प्रतिशत तक जूम किया जा सकता है। बोल रहा है स्लाइड को मैक्सिमम कितने प्रतिशत तक जूम कर सकते हैं हम लोग। तो ये जो है 400% तक मैक्सिमम जूम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है। तो डॉक्यूमेंट जो है ये एमएस एक्सेल का शब्द नहीं है, ये वर्ड पेज का शब्द है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा, गलत है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट बनाया जा सकता है। एक्सेल में जो है पाई चार्ट, लाइन चार्ट और एरिया चार्ट, ये तीनों चार्ट जो है एमएस एक्सेल के द्वारा बनाया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में किस ऑप्शन का उपयोग करके जो है एक छोटा उपशीर्षक को एक विशेष भाग में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता है। तो ये जो है इंसर्ट कैप्शन का एक ऑप्शन रहता है एमएस एक्सेल में, उसका यूज करके जो है आप ये कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5G मुख्य रूप से कितने बैंड में काम करता है। तो 5G जो है मुख्य रूप से 3 बैंड में काम करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, 3 बैंड में जो है 5G मुख्य रूप से काम करता है। अगला क्वेश्चन है, ALU में किस प्रकार के कार्यों का समर्थन करता है। ALU में जो है गणितीय और तार्किक कार्य दोनों प्रकार के कार्य जो है ALU के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के लिए बनाया जाता है। बोल रहा है प्रेजेंटेशन किस प्रोग्राम के जरिए बनाया जाता है। तो पावर पॉइंट के जरिए जो है प्रेजेंटेशन को बनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडेक्स सर्च इंजन किस देश से संबंधित है। तो इंडेक्स सर्च इंजन जो है रसिया, रूस का एक सर्च इंजन है। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी लुक अप फंक्शन क्या होता है। तो वी लुक अप फंक्शन जो होता है
संबंधित रिकॉर्ड को खोजता है। ये ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन अनुक्रमित सूची को डॉक्यूमेंट में डालने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ये जो है मल्टी लेवल लिस्ट, इसका यूज करके ये आप कर सकते हैं, अनुक्रमित सूची को जो है डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं इसके द्वारा आप। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर के लिए वाईफाई प्रिंटिंग क्या है? तो बोल रहा है वाईफाई प्रिंटिंग क्या है प्रिंटर के लिए, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। प्रिंटर का बिना तार का संचार करना ही जो है वाईफाई प्रिंटिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? तो हम लोग को जो है इंटरनेट ISP इसके द्वारा मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS PowerPoint में पहले से बनी स्टाइल जिसको प्रेजेंटेशन के लिए उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो MS PowerPoint में जो है पहले से बनी स्टाइल को हम लोग जो है टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेल विंडो डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट प्रदर्शित करती है? बोला एक्सेल विंडो जो है डिफॉल्ट रूप से कितनी शीट को प्रदर्शित करती है? तो ये जो है 3 शीट को जो है डिफॉल्ट रूप से प्रदर्शित करता है एक्सेल। ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइज ऑप्शन का उपयोग क्या होता है? तो साइज का ऑप्शन का उपयोग जो होता है दस्तावेज का आकार को बदलने के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लॉटर किस तकनीक का उपयोग करता है? तो प्लॉटर जो है पेंट तकनीक का यूज करता है। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS PowerPoint में स्लाइड को प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो MS PowerPoint में जो है Ctrl+P ऑप्शन नंबर 1 का यूज करके जो है स्लाइड को प्रिंट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपयोगकर्ता किसका प्रयोग करके जो है इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त कर सकता है? ये जो है आप FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 होगा इसका। इसका यूज करके जो है दूसरे कंप्यूटर से फाइल को आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक सेल का एड्रेस नहीं है? बोल रहा है कौन है जो इसमें से सेल का एड्रेस नहीं है? तो इसमें से जो है ऑप्शन नंबर 4, ये जो है एक सेल का एड्रेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट की क्या होता है? सेलेक्टेड लाइन को जो है अंडरलाइन करने का शॉर्टकट की होता है Ctrl+U। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है? तो इसमें से जो है ऑप्शन में लिनक्स जो है एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? प्रिंट का प्रीव्यू देखने के लिए हम लोग जो है Ctrl+F2 का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS Excel में एवरेज क्या होता है? तो MS Excel में जो है एवरेज होता है फंक्शन, एक प्रकार का फंक्शन होता है ये। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूलर को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो इसको जो है एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए पहले नंबर फर्स्ट पे व्यू में जाएंगे, उसके बाद आप जो है रूलर को सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये जो है एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर वायरस। ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी स्लाइड में टेबल को कैसे इंसर्ट करते हैं? तो किसी भी स्लाइड में जो है टेबल को इंसर्ट करने के लिए ब्लैंक स्लाइड के कंटेंट पेन में इंसर्ट टैब पर क्लिक करके ये जो है कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो इसको जो है ऑथेंटिकेशन के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका
बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल 2010 के अनुसार वर्कशीट के नाम में ज्यादा से ज्यादा कितने अक्षर हो सकते हैं? तो वर्कशीट के नाम में जो है ज्यादा से ज्यादा 31, ऑप्शन नंबर बी 31 अक्षर जो है हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में किसी कैरेक्टर सिंबल और फॉर्मूला को खोजने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं? तो एमएस वर्ड में जो है किसी भी कैरेक्टर सिंबल या फॉर्मूला को खोजने के लिए फाइंड का एक ऑप्शन दिया रहता है, इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, डबल कोटेशन क्या है? तो डबल कोटेशन जो होता है इनपुट आउटपुट और स्ट्रिंग, एक प्रकार का ये है इनपुट या आउटपुट स्ट्रिंग है, ऑप्शन नंबर 4 सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेन्यू में एनिमेशन स्कीम, कस्टम एनिमेशन, स्लाइड ट्रांजिशन और जैसे ऑप्शन होते हैं, ये बोला है किस मेन्यू में होते हैं? ये जो है स्लाइड शो वाले मेन्यू में जो है ये सब दिया रहता है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक और ट्विटर किस प्रकार की वेबसाइट है? तो ये जो है एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही होगा, एक प्रकार का सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है ये। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर हटाने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है क्लीन का एक ऑप्शन रहता है, इसका यूज करके जो है एक्सेल से टेक्स्ट स्ट्रिंग से नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर को जो है हटा सकते हैं आप लोग, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस कमांड का उपयोग किया जाता है जब एक टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट किया जाना होता है? तो इंपोर्ट टेक्स्ट का एक ऑप्शन रहता है, इसका यूज करके जो है आप टेक्स्ट फाइल को दस्तावेज में इंपोर्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मानक नाम क्या है? तो कंप्यूटर का जो है हम लोग कैलकुलेटर कहा जाता है, संगणक इसको कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में डिफॉल्ट पेज सेटअप में कौन सा ऑपरेटिंग ओरिएंटेशन सेट होता है? तो पावर पॉइंट में जो है डिफॉल्ट पेज में जो है लैंडस्केप, ये जो है ये ओरिएंटेशन जो है सेट रहता है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर जो है माइक्रोसॉफ्ट का है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट का वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में दिए गए नंबर का फंक्शनल ज्ञान करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो ये जो है फैक्ट का एक फंक्शन रहता है, इसका यूज किया जाता है इसके लिए, ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अगला क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस असाइन से क्या होता है? इससे जो है इंक्रीज फॉन्ट का साइज जो है इंक्रीज होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में डाटा टैब में जाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो डाटा टैब में जाने के लिए जो है अल्ट प्लस ए, इसका यूज करके आप डाटा टैब में जो है जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल में नया कॉलम इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो अल्ट प्लस आई प्लस सी, इसका यूज करके जो है नया कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं एक्सेल में, ऑप्शन नंबर इसका सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या मेल मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है? पूछ रहा है मेल जो है मर्ज संदेश भेजने का एक तरीका है, तो हाँ मेल जो है मर्ज संदेश भेजने का तरीका होता है, ऑप्शन नंबर इसका 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से तेज कौन सा है? तो इसमें जो है सबसे तेज रजिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर 1 सही है इसमें। नेक्स्ट है, पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को बनाने के पेज को क्या कहा जाता है? तो पावर पॉइंट में जो है प्रेजेंटेशन के बनाने के पेज को स्लाइड कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका, इसे स्लाइड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा वेबसाइट है जिसे एक बार बनाने के बाद उसे उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है? तो ये जो है स्टेटिक है, इसमें जो है एक बार बदलाव बना देने के बाद ये इसमें जो है बदलाव नहीं किया जा सकता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस वर्ड में डायरेक्ट किसी भी लाइन, पेज नंबर, फुट नोट, टेबल, कमेंट्स इत्यादि पर जंप करने के लिए क्या किया जाता है? तो ये जो है गो टू एक ऑप्शन रहता है, इसका उपयोग करके जो है आप डायरेक्ट जंप कर सकते हैं इससे। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फाइल जिसमें पूर्व निर्धारित सेटिंग का उपयोग जनरल डॉक्यूमेंट को बनाने में किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? उसे जो है टेम्पलेट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब आप एमएस एक्सेल 2010 में राइट क्लिक और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन को चुनते हैं तो निम्न में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो जब आप ये सिलेक्ट करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए सीट जो है ये नहीं दिखता है, सीट वाला टैब जो है नहीं दिखता है। ऑप्शन नंबर इसका एक सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो सी हैच ये जो है प्रोग्रामिंग भाषा है जो कि ऑब्जेक्ट और इंजीनियरिंग में काम करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर एक सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन कौन सा है? तो इंटरनेट पर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला सर्च इंजन जो है गूगल है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है डेटा शीट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? तो स्क्रीनशॉट जो लिया जाता है कंट्रोल प्लस पार्ट स्क्रीन एक ऑप्शन रहता है, इसको क्लिक करके जो है आप जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कंप्यूटर की सबसे छोटी मात्रा क्या है? तो सबसे छोटी मात्रा जो है इसमें से जो है किलोबाइट है, केवी, इसको कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी। आज का लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, एक्सेल में बड़ी वैल्यू को पता लगाने के लिए कौन सा फॉर्मूला का इस्तेमाल किया जाता है? तो जो है ऑप्शन नंबर बी मैक्स का यूज किया जाता है बड़ी वैल्यू को पता लगाने के लिए। ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल आयुष स्टडी ज्वाइन कर सकते हैं, बीच में कोई स्पेस नहीं है। इसको आप टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, वहाँ पे मैं सभी वीडियो का पीडीएफ जो है डाल देता हूँ, आप वहाँ से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।